को तेरी जरूरत है। हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जाने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। जोड़ने को तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, पावनात्मा। चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है।
इतने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। आइए इस समय हम प्रभु की दया और करुणा इस पूरे संसार पर मांगते हुए हर एक रोगियों को जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, उन सभी भाई बहनों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए, समस्त मानव जाति को प्रभु के हाथों में देते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, सूली पर अपने प्राण त्याग, तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, जीवन का स्रोत फूट निकला है, और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा, दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत, हे जीवन के स्रोत, अथा ईश्वरीय दया, अथा ईश्वरीय दया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, अपनी करुणा से ढक ले, और अपना सर्वस्व, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर, हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए, हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में, दया के स्रोत के रूप में बह निकले, बह निकले। हे रक्त और जल, हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा कुआरी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बोस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। प्रभु येसु आपका वचन कहता है, सर्वेश्वर प्रभु हम पर दया करें, हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा, सब राष्ट्रों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, जिससे वे जान जाएं कि तेरे सिवा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। प्रभु येसु, इस भेद में हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव जाति के लिए। प्रेमी अब्बा पिता, जो तुझे नहीं जानते हैं, तुझे जानते हुए भी तुझसे दूर हो गए हैं, प्रभु येसु सब लोगों को तेरी ज्योति में लाने के लिए हम एक बार फिर से तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबों पर अपनी दया दृष्टि करना, जो अंधकार की शक्तियों में, बुरी संगतियों में फंसे हुए हैं, प्रभु येसु अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तुझे नहीं जानते हैं, प्रेमी अब्बा पिता एक बार फिर से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर, ताकि वो तेरी वो ओर वापस आए और अपने मन को प्रभु येसु बदल सके, अपनी आत्मा को जो गलत कार्य करते हैं, गलत विचार हैं, गलत मनोभाव से प्रभु येसु दूसरों को देखते हैं, दूसरों की समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, प्रभु येसु एक बार फिर से उनके मन के परिवर्तन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु येसु, इस संसार भर में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं प्रभु, जो दूसरों की कमियाँ निकालते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, प्रभु येसु आज ऐसे सभी भाई बहनों को आपकी ओर आकर्षित करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबों को अपने सत्य मार्ग पर ले आना, प्रभु अंधकार में पड़े हुए भाई बहनों को, जो प्रभु येसु नाना प्रकार के बंधनों में फंस कर प्रभु अपने जीवन को, अपने परिवार को परेशानी में डालते हैं, उन सबों को आपकी ओर आकर्षित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम
पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, इस समय हम आपके पवित्र चरणों में उन सभी दंपतियों को चढ़ाते हैं प्रभु, जो निसंतानता के कारण प्रभु मारे और सताए जाते हैं। लोग उन्हें गलत भावना से प्रभु यीशु एक दूसरे को प्रभु यीशु उन्हें निंदित करते हैं, परेशान करते हैं। प्रभु उन सबों पर अपनी दया करना प्रभु यीशु। लोग उन्हें बाज के नाम से पुकारते हैं। हे प्रेमी बापिता, आज ऐसे संसार भर में जितने भी निसंतान भाई बहन हैं प्रभु यीशु, जो संतान के लिए रोते और बिलखते हैं प्रभु यीशु, उनके एक एक आंसुओं को देखना प्रभु यीशु, उन पर अपनी दया करना, अपनी करुणा करना। संसार भर में बहुत सारी ऐसे बहनें हैं प्रभु, जो निसंतानता के कारण निराश है, हताश है प्रभु यीशु, रोते रहती हैं, जीना नहीं चाहती हैं प्रभु यीशु। बहुत सारी शादियाँ ऐसे टूट जाती हैं, परिवार पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं प्रभु। हे प्रेमी बापिता, इस समय हम सभी दंपतियों को आपकी ओर उठाते हुए उनके लिए, संतान के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके गर्भ में जो भी रुकावट है, कमियां है प्रभु, उसे तू पूर्ण करना प्रभु यीशु। उस बाज नाम से उन्हें दूर करना प्रभु, उन्हें एक संतान का वरदान देकर प्रभु उनके जीवन में अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करना, उन्हें अपने साक्ष्य के योग्य बनाना प्रभु, ताकि जो लोग उनकी बुराइयां करते हैं प्रभु, वो तेरे चिन्ह और चमत्कार को देख सके। हे प्रेमी बापिता, संसार भर में ऐसी बहुत सारी बहनें प्रभु, जिनके पास बच्चे होने के कारण भी प्रभु यीशु रोते रहती हैं, लड़के के लिए, लड़की के लिए रोती हैं प्रभु। यदि वो लड़का होता है तो प्रभु उसे रख लेते हैं, लड़की होती है तो गर्भपात कर देते हैं। प्रेमी बापिता, सबों पर अपनी दया करना, हर एक दंपतियों पर प्रभु यीशु, जो निसंतान है, जो निराश है, हताश है प्रभु, सबों पर आपकी करुणा मांगते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी भाई बहनों को आपकी ओर उठाते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा और प्रभु यीशु बहुत सारे निवेदनों के द्वारा प्रार्थनाओं की मांग की है। प्रेमी बापिता, उन सभी के एक एक प्रार्थनाओं को आपकी ओर उठाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके एक एक जरूरतों को तू पूर्ण करना प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा।
प्रेमी बापिता इस वचन की योग्यता से बहुत सारे लोग परेशान है प्रभु, जो प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु तुझसे अपने दुखों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, निराश और हताश रहते हैं, परिवार में परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, निसंतानता है, बीमारी है, रोग है प्रभु, नाना प्रकार की बातों से चिंतित है, परेशान है प्रभु यीशु, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाए, परंतु प्रेमी बापिता वो तेरे पास आते हैं अपने आंसुओं के साथ, निराशा और बेरोजगारी के कारण प्रभु यीशु वो परेशान रहते हैं प्रभु यीशु, उनके एक एक दुखों को तू देखना, उनके आंसुओं को देखना यीशु, उनके निराशाजनक परिस्थिति में आशा लाना प्रभु, उनके टूटे विश्वास को, कमजोर दुर्बल विश्वास को प्रभु यीशु तू पूर्ण करना, ताकि वो इधर उधर ना भटके प्रभु, तेरी शांति को अनुभव करते हुए तेरे सानिध्य में ही आ सके और तेरे सानिध्य में ही शांति पाकर तुझसे जुड़े रहें। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, इस समय हम विशेष करके अपने पूरे देश के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, समस्त संसार में प्रभु तेरी शांति का राज्य आवे, तेरी महिमा आए प्रभु यीशु, अपनी शांति की वर्षा इस पूरे देश में करना प्रभु, जहाँ पर अज्ञानता है प्रभु, लड़ाई झगड़ा है, मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे को देखकर प्रभु यीशु मार काट करते हैं प्रभु यीशु, एक दूसरे को देख के जीना नहीं चाहते हैं प्रभु यीशु, तू अपना प्रेम लेकर इस संसार में आया था, आज वही प्रेम हर एक प्राणी को प्रदान करना प्रभु, ताकि वो एक दूसरे को प्रेम कर सके और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके, एक दूसरे की मदद कर सके, जरूरत पड़ने पर प्रेमी बापिता एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। प्रभु यीशु, समस्त संसार में तेरी शांति की मांग करते हुए, परिवारों में तेरी शांति की मांग करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना प्रेम पूरे देश में फैलाना प्रभु, ताकि लोग तेरे प्रेम से प्रेरित होकर एक दूसरे को प्यार करते हुए काम को आगे बढ़ा सके प्रभु। सभी नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, सभी धर्म गुरुओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपनी सद्बुद्धि सत्य का ज्ञान प्रभु यीशु हरेक को प्रदान करना, ताकि वो अच्छा और बुरा देख सके, अच्छे निर्णय ले सके। प्रेमी बापिता, इन सभी मतलबों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु
प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, इस वचन की योग्यता से संसार भर के सभी रोगियों का जीवन आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए उनके लिए आपकी चंगाई की मांग करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जितने भी रोगी प्रभु नाना प्रकार के रोगों से परेशान है, पीड़ित है, प्रभु बिस्तर पर पड़े हुए, इलाज चल रहा है, प्रभु यीशु घर वाले परेशान हैं, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, प्रेमी बापिता संसार भर में नाना प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हैं, हे प्रेमी बापिता उनके एक एक घावों को स्पर्श करना, उनके घावों के कीटाणुओं को तू नष्ट करना यीशु, ताकि वो फिर से भला चंगा होकर तेरी महिमा गा सके, तेरी स्तुति कर सके। प्रभु यीशु, अपने जीवन में तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके, तुझे चंगाईदाता के रूप में स्वीकार कर सके। प्रभु यीशु, उनके एक एक घावों को अपने पवित्र हाथों द्वारा, अपने दाहिने विजयी हाथों द्वारा स्पर्श करना, ताकि वो भले चंगे होकर प्रभु यीशु एक दूसरे के लिए साक्ष्य बन सके, प्रभु तेरी महिमा को एक दूसरे में बांट सके। इस मतलब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए एक बार फिर से हम प्रभु को, समस्त संसार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु की शांति का अनुभव करते हुए अंतिम प्रार्थना को मेरे पीछे बोलेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए, उन्हें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का, और हमारे सब वस्तुओं अभिषेक कर, अभिषेक कर, आप हमें अपना बनाकर, आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा संचालित करें, संचालित करें। आमीन। आमीन। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु, संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
आइए हम यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है हमें शुद्ध करता है उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है
हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पाँव से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना सभा में बैठे हर एक भाई बहन के लिए, हर एक के परेशानियों को, बीमारी को, दुख कष्ट को, परेशानियों को, सब कुछ को तेरे चरण में सौंपते हैं। प्रभु, हम हर एक को तेरे चरण में सौंपते हैं, हमारे परिवारजनों को तेरे चरण में सौंपते हैं। प्रभु, हम सबको तू पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श करना। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं मातृधाम आश्रम के लिए। प्रभु, मातृधाम आश्रम को तू सुरक्षा प्रदान कर। प्रभु, पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा मंडराता रहे ताकि जितने भी लोग आते हैं प्रभु मातृधाम आश्रम में, तुझे महसूस कर सकें, उनके जीवन में तेरी आशीष और कृपा हो, विश्वास में वे मजबूत हो जाएँ। प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और उन सारे भाई बहनों को भी याद करते हैं जितने भी भाई बहन हमारी प्रार्थनाओं की मांग किए हैं दूर दराज से, व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए, एसएमएस के जरिए, उन सारे भाई बहनों को याद करते हैं। प्रभु, हम सबको तेरे चरण में सौंपते हैं और विश्वास के साथ हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।